दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश में दोस्तों बम्पर भर्ती निकली है, जो कि दोस्तों आपको बिना पेपर दिए नौकरी दिलाएगी। दोस्तों देखिए दोस्तों इसकी योग्यता देखेंगे, दोस्तों सब कुछ देखेंगे, सब कुछ जानेंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और इसकी आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर कोई भी फ्रॉड वैकेंसी नहीं बताते हैं, यहाँ पर सिर्फ ओरिजिनल वैकेंसी ही बताते हैं। दोस्तों देखिए क्या है खबर, 4000 प्लस दोस्तों वैकेंसी आई है, 4000 प्लस। तो आप देखिए दोस्तों यह दोस्तों RPF बराबर यहाँ पर भर्ती निकली हुई है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों आपकी फ्री में दोस्तों जॉब लगने वाली है। यहाँ पर एप्लीकेशन का भी पैसा नहीं लगने वाला है दोस्तों, एप्लीकेशन का भी पैसा लगने वाला नहीं आवेदन करने का दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा देख कर ही जाइएगा। तो सबसे पहले हम विज्ञापन आपके लिए सामने रीड करें। तो विज्ञापन है दोस्तों, पढ़िएगा दोस्तों, कब विज्ञापन जारी किया गया है, 15 तारीख 3वां महीना 2024 के अंतर्गत। ये विज्ञापन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 7 जून 2024 को जारी किया गया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश विभाग में दोस्तों जो वैकेंसी जिस विभाग में, वो फटाक फटाक से वैकेंसी निकलने वाली है, क्योंकि दोस्तों योगी सरकार, जो योगी राज है, योगी सरकार है, वो दोस्तों फुल फॉर्म में आ चुकी है। चलिए बात करते हैं, हम यहाँ पर रीड करते हैं। शासन आदेश के दिनांक 15/4 के अंतर्गत सहायक इनकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की पद पर चयन हेतु नामांकित योग्यता विवरण अनुसार आवेदन पत्र योग्य अभ्यर्थी आमंत्रित किए जाएंगे। कुल पद रिक्त हैं जितनी उतनी बात होती है दोस्तों, 4821 4821 पदों पर भर्ती है। देखिए यहाँ पर लिखा है 4821 पदों पर यहाँ पर भर्ती निकली हुई है। और बात करते हैं हम यहाँ पर, तो देखो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके लिए गवर्नमेंट की पंचायती राज और PRD फाइनेंस पर यहाँ पर दोस्तों आपके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी आवेदन पत्र से हर प्रत्येक जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर आवेदन की तिथि पर बात की जाए, तो आवेदन की तिथि पर यहाँ पर बात 15 तारीख 6वां महीना मतलब 15 जून से दोस्तों लेकर 30 जून तक यहाँ पर आवेदन कर सकते, तो आप लेट ना होजिएगा। यहाँ के जो हम आपके लिए डॉक्यूमेंट बताएं दोस्तों, वो डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा। पहले हम बात करते हैं अब यहाँ की दोस्तों, और बात करते हैं हम यहाँ की, अब आगे की बात हम करते हैं। तो देखिए दोस्तों पंचायती राज, पहली बात पहली में क्या दिया गया है, पंचायत सहायक, ठीक है, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने की सूचना ग्राम पंचायत सूचना पट एवं मुनियादी द्वारा कराया जाएगा, ठीक है। देखिए आपकी सूचना मुनियादी का अर्थ दोस्तों होता है कि कुटवार आके आपको बताएगा गांव में, वो जैसे मुनियादी ऐलान करेगा कुटवार, ठीक है। और ये ऐलान करेगा कब करेगा, 12 जून को करेगा, 12 जून से 14 जून को यहाँ पर ये ऐलान करेगा, ठीक है, मुनादी करेगा, कुटवार के पास जानकारी पहुँचाई जाएगी। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, विकास खंड कार्यालय, ग्राम पंचायत कार्यालय आवेदन पत्र जमा किए जाएंगे। देखिए दोस्तों इसका ऑनलाइन आवेदन नहीं होना है, यहाँ पर ग्राम पंचायत में, जिला पंचायत में, विकास खंड में यहाँ पर आपके आवेदन किए जाएंगे। और 15 जून से आवेदन की तिथि 30 जून तक होगी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की, तो क्या क्या होगा। जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय, विकास खंडालय प्राप्त आवेदनों के पत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत में उपलब्ध कराया जाएगा। जो आवेदन पत्र हैं उसके फॉर्म दोस्तों आपको ग्राम पंचायत में नहीं, अधिकारी विकास कर प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंधित नाम ग्राम पंचायत से उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए जो आवेदन पत्रों से संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया जाएगा, जो आवेदन प्राप्त हैं उसकी जानकारी दोस्तों 1 जुलाई से 6 जुलाई तक आपकी पंचायत में आ जाएगी। बात करते हैं यहाँ पर, ग्राम पंचायत में प्राप्त आवेदन पत्रों की श्रेष्ठता सूची मेरिट लिस्ट के तैयार की जाएगी। देखिए मेरिट लिस्ट पर यहाँ पर तैयार की जानी है। विचारार्थ प्रस्तुत, यहाँ पर देखिए विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना है। समिति द्वारा अनुमोदित श्रेष्ठता सूची जिला स्तरीय समिति, विचारार्थ समिति के सदस्य, सचिव, जिला पंचायत अधिकारी को उपलब्ध कराएगा। देखिए जो समिति बनाई जाएगी वो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार करेगी। ये काम कब हो जाएगा, ये काम हो जाएगा 7 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक, मतलब दोस्तों तत्काल आपकी वैकेंसी के बाद तत्काल ही आपको जॉब दी जाएगी। अब देखिए जॉब कब मिलेगी, जिलाधिकारी अध्यक्ष तक समिति द्वारा परीक्षण एवं संस्तुति कब कराएगी, 15 जुलाई और 21 जुलाई तक करवाई जाएगी। ग्राम पंचायत नियुक्ति पत्र ज्वाइनिंग लेटर कब दिया जाएगा, 22 जुलाई से 24 जुलाई तक, मतलब दोस्तों तत्काल यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। प्रक्रिया क्या है दोस्तों, तो आवेदन की प्रक्रिया बस यही है कि आपके लिए जो देखिए निर्धारित है, आवेदन पत्र प्रारूप समस्त सूचनाएं अंकित एवं व्यक्तिगत रूप से अथवा रजिस्ट्रेट डाक से पंचायती विकास खंड, जिला पंचायती अधिकारी कार्यालय समय अवधि में उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। शासन अधिनियम अनुसार इतना क्रमांक है, प्रावधानों की
अनुरूप संसाधन, मतलब आपके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके दोस्तों, मेरिट लिस्ट तैयार की जानी है 12वीं प्लस की, जो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर करना है दोस्तों तैयार। आपकी आय जाति अंक सूची ये संपूर्ण कंप्लीट रखिए 15 तारीख तक दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों आप जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर जल्दी से, यहाँ पर हम आपके लिए दूसरी प्रणाली ला रहे हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस जॉब की बिल्कुल तैयारी कीजिएगा।